हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए रवा मोदक बनाने जा रही हूँ। अभी तक हमने चॉकलेट मोदक बनाए, बेसन मोदक बनाए, अब मैं आपके सामने रवा मोदक बनाने जा रही हूँ, जो एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी। मैंने कढ़ाई ली है, गैस पे चढ़ाई है, उसको ऑन किया है और उसमें ये एक कप सूजी डाल दी। इसको पहले हम ऐसे ही रोस्ट करेंगे और इसको धीमी आंच पर ही रोस्ट करेंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और घी भी कम लगता है इसमें। और तेज़ आंच में सेकेंगे तो ये कलर में तो अच्छे से हो जाएगी, पक जाएगी, लेकिन इसका कच्चापन नहीं जाएगा अच्छे से, इसीलिए इसको हम 2-3 मिनट तक ऐसे इसको पहले सेकेंगे। देखिए, हमने हमारी सूजी को सेकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस टाइम में मैं इसके अंदर 4 चम्मच घी डालूंगी। कि ये चम्मच भर के 4 चम्मच डालनी है। घी से ज़्यादा टेस्ट भी आएगा, अच्छे से बनेंगे। ये 4 चम्मच हम इसको अच्छे से इसमें भूनेंगे, ब्राउन होने तक अच्छे से। देखिए, हमारी सूजी सारी मिक्स हो गई घी के अंदर। अब हम इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से सेकते रहेंगे, जैसे इसका कलर अलग सा थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा, फिर बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी जब तक इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही सेकेंगे। देखिए, हमारी सूजी अच्छे से सिक गई है, इसका कलर भी देखिए, देखिए चेंज सा हो गया है। अब इसमें इस टाइम में हम 2 आधा कप ये डेसिकेट कोकोनट पाउडर है जो डालेंगे। ये आपको कहीं भी आसानी से दुकान पे मिल सकते हैं, या फिर आप उसको कस के सूखे नारियल को और मिक्सर ग्राइंड में पीस भी सकते हैं। देखिए, इसको भी अब हम 2 मिनट तक चलाएंगे। देखिए, हमारे नारियल, बुरादा और सूजी अच्छे से पक गए, अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इस टाइम में हम थोड़े से बादाम कूटे हुए हैं वो डाल रही हूँ, और कुछ ज़्यादा नहीं डाला मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें, वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिए। अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। मैंने 1 कप सूजी लिया है तो मैं 2 कप दूध डालूंगी। दूसरा कप और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पूरा अच्छे से मिक्स होने। देखिए, अच्छे से दूध ऑब्जर्व हो गया है, इसके अंदर पूरा अच्छे से मिल गया है। और अब हम इसमें एक जो सीक्रेट चीज़ डालेंगे इम्पोर्टेंट, वो डालूंगी। मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही, मैं इसमें गुड़ पाउडर डालूंगी। आपके पास चीनी तो आप चीनी, गुड़ नहीं है तो चीनी भी डाल के बना सकते हो। 1 कप मैंने गुड़ पाउडर डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसमें गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए कितना अच्छे से लग रहा है, सारा गुड़ पाउडर इसमें मिक्स हो गया, ना चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ी हमें, ऐसे ही अच्छे से मैं मिक्स हो गया। अब गैस बंद कर देंगे हम और इसको एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। देखिए, हमने इसको गैस से नीचे उतार लिया, अब हम इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, फिर हम इसके को ठंडा होने के बाद मोदक बनाएंगे, कि हम सारा इसमें निकाल लेते हैं। देखिए, हमने इसको प्लेट में निकाल लिया, इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं थोड़ा, तो आपके हाथ चलने का डर लगे रहेगा कि अभी थोड़ा ये गर्म है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, नहीं तो हमारे मोदक बनेंगे नहीं। ये देखिए, अभी फटाफट थोड़ा ठंडा हो जाएगा जल्दी। देखिए, अभी हमारा थोड़ा बहुत ही ठंडा हो गया है, ज़्यादा उसको ठंडा भी नहीं करना है। हमने ये इसका मोल्ड लिया है,
अब इसमें हम घी ग्रीस करेंगे। घी लगाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं इसमें और आराम से बैठ जाएंगे, मतलब बन जाएंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें तीनों खानों में डालेंगे। ऐसे इसको पूरा भर देंगे हम। मैं देखिए थोड़ी बीच में इसमें हम जगह रखेंगे। इसमें हम ये किशमिश लिए हमने, तो हम इसके अंदर किशमिश फिलअप करेंगे, इससे और टेस्टी लगेंगे हमारे मोदक। ये देखिए इसको अच्छे से पैक कर लिया। अभी जो बाहर निकलता है उसको अच्छे से निकालेंगे। देखिए अच्छा पैक हो गया। ये देखिए अब इसको हम खोलते हैं। अच्छे से डाल दिए सारा। देखिए हम इसको निकालेंगे। ये देखिए इतना प्यारा मोदक बना है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे ही हम सारे मोदक बना लेंगे, ऐसे ही हम सारे मोदक बना के रख लेंगे। देखिए हमारे सारे मोदक एकदम कितने अच्छे लग रहे हैं और एकदम झटपट तैयार हो गए। अब हम इनके ऊपर ये थोड़ा सा चांदी वाला वर्क लगा देंगे, सही और ही अच्छे लगेंगे, रिच जैसा स्वाद आएगा। मैं सब में ऐसे देखिए हमारे सारे मोदक तैयार हैं और इनके ऊपर मैंने चांदी का वर्क भी लगा दिया है। फॉइल पेपर, मतलब फॉइल पेपर नहीं होता, वो चांदी का वर्क अलग से ही होता है, इसका मिठाई वाला वो मैंने इसमें लगा दिया है। वे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में ही उतने टेस्टी हैं ये, और इतनी जल्दी फटाफट 10 मिनट में बनकर तैयार भी हो गए और घर के सामान से बने हैं, सूजी, गुड़, दूध और नारियल पाउडर बस ओनली। और मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, ड्राई फ्रूट्स भी डाले मैंने, थोड़े से बादाम डाले, आप डालना चाहें तो पूरे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते, आप इनको 7-8 दिन तक कैसे भी रख के खा सकते हैं फिर में। और ये इतने टेस्टी लगते हैं कि बस बच्चे बार बार कहेंगे मम्मी और बनाइए। और ये सूजी के हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और आगे से आगे मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप ज़रूर बनाइए इनको और मुझे बताइए कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अभी गणेश चतुर्थी आई तो आप प्लीज़ मोदक बना के ट्राई कीजिए। धन्यवाद।